छूनी को मारूंगा तब तो तुम्हारे भाई श्याम का खून युवराज शमशेर सिंह ने ही किया है। मार डाला गुरुजी मेरे मुन्ने को, मार डाला मेरे मुन्ने को, माफ करना गुरुजी। एक चलते हुए घर से धुआं के अलावा निकल नौजवान खड़े हो जाओ। मैंने तुम्हारे आग के शोले देखे और उसमें से निकलते हुए धुएं भी देखे। मैं तुम्हें तलवार की कला सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी हिम्मत का लोहा मुझे परखना होगा। ये मेरी नंगी तलवार देख रहे हो, इसकी धार पर तुम्हें नंगे पांव चलना होगा। बोलो ये सच तुम्हें मंजूर है या नहीं? ये नंगी तलवार क्या गुरुजी? अगर मुझे आग के शोलों पर चलना पड़े तो मैं चलने के लिए तो तैयार हो जाऊं। बराबर सिंह, अपने छोटे भाई श्याम के खून का बदला चुकाने के लिए समत खान के नंगी तलवार पर नंगे पांव चल रहा है। समत खान खुश हुए और बोल पड़े, तुम इम्तहा में पास हुए, मैं तुम्हें तलवार की कला सिखाऊंगा। तलवार रखी हुई है, आज पहला दिन है। सबसे पहले बायां कदम आगे होना चाहिए और निगाह में निगाह मिलाकर रखोगे, दुश्मन को आसानी से परास्त कर सकते हो। चलो तैयार हो जाओ, ऊपर सिवार होगा, आज पहला दिन है। तुम्हारा हाथ देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम तलवार की कला बहुत जल्द सीख जाओगे और अपने भाई के कातिल को आसानी से मार सकोगे। जाओ घर जाओ, सुबह 6 बजे आ जाना। नहीं गुरुजी, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। क्या नहीं जाओगे? क्योंकि मैंने ये प्रतिज्ञा घर से निकला कि जब तक युवराज शमशेर सिंह का सर नहीं काटूंगा मैं वापस अपने घर। नौजवान, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। आंसू बहाना बंद कर दो और मेरे साथ। माँ, मुझे राजकुमारी मधुमती पसंद है। माँ, मैं शादी करूंगा तो राजकुमारी के साथ ही करूंगा। ठीक है बेटा, जाओ भोजन करके अपने कमरे में आराम करो। मंत्री भान सिंह जी, महारानी जी, अब मेरा बेटा जान हो गया है, इसका राज तिलक कर देना चाहिए। महारानी जी, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी पूरा पूरा विश्वास है कि युवराज शमशेर सिंह रियासत प्रतापगढ़ का बागडोर संभाल सकते हैं, इसलिए राज तिलक करना बहुत जरूरी है। सारी रियासत मिलान कर दो कि 20 तारीख को युवराज शमशेर सिंह का राज तिलक होगा। बहुत काम चोरी करता है। किसे? क्या नाम है उनका? सुना? अब तुम्हें
मेहनत करना पड़ेगा। अच्छे के लिए समझा रहा हूँ बेटा। अरे तो अच्छा, बहुत मौज करते हो, जो इच्छा कहती वही खाते हो। अब तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। जाओ पूरी रियासत पे मुनादी करके बता दो कि आने वाली 10 तारीख को युवराज शमशेर सिंह का राज तिलक होगा। हाँ, खास खास रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाए, महल का सजावट करा दिया जाए। इसकी जिम्मेदारी हम तुम्हारे ऊपर दे रहा हूँ। भैया सबका न्योता है, बच्ची और तो सबका न्योती है, हैं? ये बात नहीं ना, सब ही बफर में खाए हुए, लेकिन भाई बम्फर में नहीं खाए। बम्फर जान थो, बफर में पूरी उड़ी सजाए दिन जात है, अपने मन से निकाल लियो, खाओ टहराओ। और बम्फर में बढ़िया पूरी उड़ी टांग दिन जाए, सब्जी वब्जी टांग दिन जाए, उलर उलर खाओ। युवराज शमशेर सिंह का रात तिलक का है, आयो सब। अच्छा चलित है भाई, आगे करे कबार। युवराज युवराज शमशेर सिंह का रात तिलक नहीं, युवराज शमशेर सिंह तुम्हारा रात तिलक होने से पहले तुम्हारा सरदर से मिलेगा। मैंने तेरे नाम अपना चैलेंज भरा खत भेज दिया है और अपने दस्तखत भी कर दिया है। बागी चोरावन या खुदा, आज मैं क्या सुन रहा हूँ, प्रतापगढ़ रियासत में युवराज शमशेर सिंह का रात तिलक होने जा रहा है, जबकि युवराज शमशेर सिंह महारानी जी पद्मावती का सगा राजकुमार नहीं हो सकता है। यदि रात तिलक हो जाएगा तो एक भयानक दुर्भ होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि रात तिलक रुके तो किस तरीके से रुके, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मैं क्या देख रहा हूं, रोज मैं आता था तो गुरुजी खुश रहते थे, आज मेरे गुरु जी के चेहरे पर उदासी। कैसी चिंता है पड़ी जो गुरुवर बतलाए, चेहरे की रौनक उड़ी आंसू रहे बहाए। चले सूरज, मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो सुनो, प्रतापगढ़ रियासत में युवराज शमशेर सिंह का रात तिलक होने जा रहा है, जबकि युवराज शमशेर सिंह महारानी का सगा राजकुमार नहीं है। चले सूरज, मैंने तुमसे कहा था किसी दिन तुम्हारी मुझे जरूरत पड़ सकती है, आज वो जरूरत आ गई है। तुम्हें प्रतापगढ़ जाकर ये रात तिलक किसी न किसी तरीके से रुकवाना होगा, ये तुम्हारे गुरु का आदेश है, जाओ। लेकिन गुरु जी, क्या ये आप बताएं कि आपको ये कैसे मालूम है क्या कि युवराज शमशेर सिंह महारानी का सगा बेटा नहीं है? चले सूरज, तुमने प्रश्न किया उसका उत्तर तुम्हारा गुरु देगा। हाँ गुरुजी, आज के 20 वर्ष पहले की बात है, मैं प्रतापगढ़ रियासत में सेनापति सीट पर तैनात था। कहानी देवी माँ के मंदिर की है, मेरे महाराज पर हमला हुआ, राजकुमार को ढंग से मारने की धमकी दी गई। मैंने अपने भाई को रक्षा के लिए भेजा, मेरे भाई ने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा। उसके बाद मंत्री का निरीक्षण किया, वहाँ एक सिपाही मिला, उसे पकड़कर दरबार लेकर आया। महामंत्री ने उसे जान से मार डाला, नहीं तो सिपाही बता देता कि मेरे महाराज पर किसने हमला किया है। चले सूरज, मेरे भाई को मरा बताया गया और राजकुमार की हत्या का आरोप मेरे ऊपर लगाया गया। मैं दरबार में दोषी करार हुआ, काफी लड़ाई हुई, मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। तब से तुम लोगों को तलवार की कला सिखला रहा हूँ। तलवार की कला सिखलाना एक मेरा टाइम पास करना असली मकसद यानी मुद्दा
राजकुमार की तलाश वह अपने भाई की। यदि किसी दिन महारानी का राजकुमार मुझे मिल गया चेले सूरज, तो मैं उसका असली हक नहीं दिला पाऊंगा चेले सूरज, इसलिए तुम्हें रात तिलक रुकवाना होगा और जाना होगा। ठीक है गुरुजी, मैं रात तिलक हर हाल में रुकाऊंगा। अभी इसी वक्त मैं राज दरबार जाता हूँ। अगर अगर मैं राज तिलक नहीं रुकवा सका तो ये अपना मुंह मैं दोबारा आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। इंसान का यही फर्ज और कर्तव्य बनता है। जाओ, इजाजत।